बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपको? मेरे एन किचन चैनल में खुश आमदी वीवर्स। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और आपके रिजक में बरकत फरमाए। तो जी वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जी चाइनीज़ राइस। तो चले आए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं जी। तो वीवर्स आए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। वीवर्स, मैंने हाफ के जी चावल लिए थे, इनको मैंने आधा घंटा हो गया सोक करके रखा हुआ है। हाफ के जी ही मैंने चिकन लिया है, इसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। एक मीडियम मैंने प्याज लिए थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। सब्जियों की तरफ आ जाए वीवर्स, मैंने लिया जी एक प्याली बंद गोभी की ली है, एक प्याली मैंने मटर ली है, एक प्याली मैंने गाजर ली है, इसकी भी मैंने पीसेस कर ली है। एक प्याली शिमला मिर्च की ली है। स्पाइसी की तरफ आ जाए, नमक मैंने लिया है, सिंपल नमक लिया है हसबे जायका, और मैंने चाइनीज सोल्ट लिया है, वो भी हसबे जायका जी। तो वीवर्स, मैंने साथ में तीन अदद अंडे लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ली है जी कुटी हुई मिर्च, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ली है जी काली मिर्च। साथ में हम डालेंगे जी चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, इन तीनों को हम मिक्स करके तो फिर डालेंगे जी लास्ट पे। तो चलिए आए जी, पहले हम चावलों को बॉयल कर लें। बस मैंने पानी गर्म रख लिया था, इसमें हम डालेंगे जी नमक, और साथ में हम डालेंगे जी चाइनीज सॉल्ट। पानी हमारा बॉयल हो चुका था, अब हम इसके अंदर अपने चावलों को ऐड करके तो बॉयल कर लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। बस मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, इसको मैंने एक करनी रख लिया। तो चले आए अब हम अपना इसकी रेसिपी तैयार कर लेते हैं जी। तो वीवर्स, मैंने कढ़ाई के नीचे आँच जला दी थी, तो चले इसके अंदर हम ऑयल शामिल करते हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने शामिल किया है। वीवर्स, अब आप इसके अंदर अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। जी तो वीवर्स, आपने लहसुन को थोड़ा सा सोते कर लेना। जी तो वीवर्स, देखें लहसुन सोते हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे जी अनियन। अनियन को भी हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट करना है। 2 मिनट इसको सॉफ्ट कर लें। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया, लहसुन और अदरक, अब इसके अंदर हम अपने जी। तो वीवर्स, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी है, अब चिकन को हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको ज़रा फ्राई कर लेना आपने जी। तो वीवर्स देखिए, चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक डालेंगे। नमक जो मैंने डाला है चाइनीज़, वो मैंने थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैंने चावलों के अंदर भी ऐड किया था, तो आप बाद में इसका नमक जो है वो चेक कर सकते हैं। कुटी हुई सूरख मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, और इसको ज़रा हम इसको मसाले को जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। वीवर्स, हम इसके मसाले जो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसके मसालों का फ्लेवर है वो चिकन में भी आ जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक आप मसालों में फ्राई कर ले चिकन को। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। वीवर्स देखें, चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सब्जियां। एक प्याली हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजरें, प्याली मटर डाल देंगे वीवर्स, साथ में हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, और बंद गोभी जो है वो हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ऐड करेंगे। वीवर्स, हमने सब्जियों को अच्छी तरह से इसमें पका लेना है ताकि हमारी सब्जियां भी फ्राई हो जाएं और वो सब्जियां जो हमारी सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। तो वीवर्स देखिए, माशाल्लाह से सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और चिकन भी गल चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी बंद गोभी जो मैंने काट की थी,
इसको भी इसी में जरा फ्राई कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक जी। तो विवर्स जब तक ये सब्जियां हमारी जो है बंद गोभी के साथ जो है वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बस तो देखें बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दी थी और माशाल्लाह से तमाम सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं और चिकन भी गल चुका है। तो दूसरी साइड पे मैंने तवा गरम रख लिया था, उसके ऊपर हम जो है अंडे को डाल के तो हम अंडे बना लेते हैं जी। इसके तवे पे डाल के जी। तो भी बस हमारी सब्जियां वगैरह सारी रेडी हैं। तो चले आए हम इसकी तह लगा लेते हैं। चले हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो जो हमने सब्जियां रेडी की थी वो इसके ऊपर डालेंगे। मैंने फ्राई कर लिया था वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। बस देखते मैंने इनकी तह लगा दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी 2 टेबल स्पून हम डालेंगे सिरका। टू टेबल स्पून हम डालेंगे जी इसके अंदर सोया सॉस। और 2 टेबल स्पून ही हम डालेंगे जी इसके अंदर चिली सॉस। जी तो भी बस एक थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे ताकि चावलों को दाम जो है वो अच्छी तरह से लग जाए जी। तो भी बस इसको दाम लगाने के लिए रख देते हैं। बस तो माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त डिश की लुक आई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अगर आपको मेरी आज की ये चाइनीज़ राइस पसंद आई हो तो इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझको दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके जी। व्यूअर्स तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो चलें हम मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।